नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि रणवीर प्राची को घर तो ले आता है, लेकिन दोस्तों घर आने पर एक बहुत बड़ा ड्रामा होने जा रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि प्राची नहीं चाहती किसी भी तरीका से रणवीर उनका ख्याल ना करके इस समय अपना बिजनेस या रिया के करीब हो, क्योंकि ज़्यादातर प्राची ने जब जब देखा है अब ज़्यादातर रणवीर जो कि सबसे ज़्यादा रिया के करीब आता हुआ नज़र आ रहा है और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जलन पैदा हो रही है प्राची को। हालांकि ये सत्य नहीं है, क्योंकि रणवीर प्राची से ही मोहब्बत करता है और आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्राची और रणवीर का रिश्ता थोड़ा थोड़ा डगमगा रहा है। क्योंकि जहां पर प्राची बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नकनका रही हैं और रणवीर भी ये बात जानता है कि प्राची जल्दी ही माँ बनने जा रही हैं। हालांकि इस चीज़ का अभी तक किसी के सामने ऑफिशियल जिक्र नहीं किया है ताकि ये बात पूरी तरीका से गुप्त रहे। आप लोग जानते ही हैं कि रिया और अगर आलिया को ये बात पता लग गया तो फिर वाकई में प्राची की जान को खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्राची ने हमेशा से ही पूरे परिवार का ख्याल रखा है, लेकिन दोस्तों आलिया और रिया ने प्राची को मारने की हर कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार प्राची किस तरीका से मना लेती हैं अपनी बातों से, क्योंकि इधर रणवीर के फादर ने रणवीर की मां पलटे पीछे बोल दिया है कि प्राची आज के बाद में अगर प्राची को तुमने किसी भी तरीका से टॉर्चर करने की या किसी ने भी टॉर्चर करने की गलती की तो मैं वो एक्शन लूँगा जो सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि प्राची आज के बाद मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहता कोई भी प्राची के ऊपर अपना जुल्म या अपना टॉर्चर करे, क्योंकि वो प्राची को समझते भी हैं और प्राची के ऊपर किसी भी बड़े का साया नहीं है। इसलिए प्राची के पक्ष में हमेशा से ही प्राची के ससुर खड़े नजर आए हैं और प्राची की अगर बात की जाए तो जल्दी ही रणवीर की दादी भी प्राची का पूरा सपोर्ट करती हुई नजर आने वाली हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा इसके आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।